नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई नॉलेज टोल में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बहुत सारे बच्चे मेरे पास मैसेज कर रहे थे कि सर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक कैसी ब्रांच है, इसके बारे में बताइए। क्या आईटीआई हम करने जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से अगर हम करते हैं तो क्या इसके बेनिफिट हो सकते हैं और ये ब्रांच लेना आईटीआई में सही है कि नहीं और इन द फ्यूचर इसके क्या जॉब स्कोप है, सरकारी जॉब प्राइवेट जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी और ये ब्रांच करना इन द फ्यूचर या इस टाइम के लिए ठीक है कि नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम पूरा फुल एनालिसिस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक कैसी ब्रांच है, लेना ठीक होगा कि नहीं। तो ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे हमसे बात करना चाहते हैं, कैरियर से रिलेटेड किसी भी डाउट का जवाब पाना चाहते हैं, हमसे कैरियर काउंसलिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक रजिस्ट्रेशन आएगा जहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा नहीं फिल करना है, अपना नाम मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी उसमें फिल करना है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद सीधे आपकी बात मुझसे मोबाइल फ़ोन पर हो सकती है, बेस्ट कैरियर काउंसलिंग आपको दिया जाएगा। दोस्तों कोई भी ब्रांच चुनना होता है तो सबसे बड़ी चीज़ें उसमें क्या होती हैं, दो होती हैं। एक तो ये होता है कि उस ब्रांच से अगर आप करते हैं आईटीआई तो जॉब्स कितनी आती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स कितनी आती हैं और प्राइवेट जॉब में क्या स्कोप होता है। दोस्तों आप आईटीआई करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी पहली प्रायोरिटी तो गवर्नमेंट जॉब ही होगी। बहुत कम लोग होते हैं जिनका पहली प्रायोरिटी ही बस प्राइवेट जॉब होती है, गवर्नमेंट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, ऐसा बहुत कम होता है। सब लोग पहले गवर्नमेंट जॉब में देखते हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं सिलेक्शन हो पाता है तो फिर वो प्राइवेट की तरफ मूव करते हैं। तो दोस्तों आपकी ब्रांच भी ऐसी ही होनी चाहिए कि आपको गवर्नमेंट जॉब में और प्राइवेट जॉब में दोनों ही में ही जॉब के ऑप्शंस हो। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जो ब्रांच है, अगर इसका गवर्नमेंट वैकेंसी में देखा जाए तो रेलवे लोको पायलट के लिए ये ब्रांच एलिजिबल होती है, यानी लोको पायलट की वैकेंसी अगर इन द फ्यूचर आती है तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वो भी लोको पायलट बन सकते हैं अगर वो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से आईटीआई करते हैं तो। प्लस दोस्तों जब डीआरडीओ की वैकेंसी आती है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की अच्छी खासी सीट आती है, वहाँ पे भी इनकी सीट अच्छी होती है। अगर बाकी ब्रांच के कंपैरिजन में देखें तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की सीट वहाँ अच्छी होती है, प्लस नेवी हुआ आर्मी हुआ यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की ब्रांच के लिए सीटें आती हैं। लेकिन दोस्तों इनके अलावा और बाकी डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं आती है। दोस्तों बस यहीं पे इसके जैसे गवर्नमेंट जॉब में सीमित मौके हैं, बहुत कम चांसेज होते हैं। और प्राइवेट में भी देखा जाए तो प्राइवेट में ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इनमें आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन दोस्तों अगर गवर्नमेंट में बात करें तो इसमें ऑप्शंस कम हैं, प्राइवेट में भी ऑप्शन लिमिटेड ही हैं। प्राइवेट में ज़्यादा देखा जाए तो फीटर और इलेक्ट्रीशियन ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक आप लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि गवर्नमेंट जॉब में ऑप्शंस कम हो सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि जब मेरिट लिस्ट निकलती है या फिर जब सिलेक्शन होता है गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज के लिए तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ब्रांच इजीली मिल जाती है क्योंकि इसकी जो मेरिट होती है कम जाती है। ज़्यादातर जो डिमांड होती है फीटर और इलेक्ट्रीशियन के लिए होती है तो वहाँ पे मेरिट ज़्यादा जाती है और जिनके मेरिट कम रहती है उनको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक मिलता है। तो उनको लगता है कि हमको ये ब्रांच से कर लेना चाहिए आईटीआई क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, फ़ीस कम लग रही है। लेकिन दोस्तों आपको इस बात पे फोकस नहीं करना चाहिए क्योंकि आप भले गवर्नमेंट जॉब में आपकी फ़ी लग रही है लेकिन आपके दो साल तो लगना ही लगना है और इन दो सालों में एक अच्छा खासा टाइम आपका निकल जाता है। दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से कर लेंगे तो आईटीआई करते समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर इन द फ्यूचर जब उस ब्रांच पे उस ट्रेड पे जॉब सी गवर्नमेंट नहीं आएगी तो आप क्या करेंगे। जब आप जब फॉर्म भरने जाएंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए आप देखेंगे कि फीटर में इलेक्ट्रीशियन के लिए हर ब्रांच में जो भी वैकेंसी आ रही है उनमें जॉब्स आ रही हैं, लेकिन आप जब देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की तो आपके ब्रांच की वहाँ वैकेंसी ही नहीं रहेगी। तो बाकी बच्चे फॉर्म फिल कर रहे होंगे, आप नहीं फिल कर रहे होंगे, खुद सोचिए वहाँ पे कितना बुरा लगता है कि आपने कोर्स कर लिया और आपको मौका नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने का। तो दोस्तों कभी भी अगर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक मैं कहूँगा कि इग्नोर करने लायक हो तो इग्नोर कर दीजिए, आप कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, कर रहे हैं तो आप इतना मेहनत करिए कि मतलब जो कम वैकेंसी आ रही है उसमें अपनी जगह सिक्योर कर पाएँ। लोको पायलट है, डीआरडीओ है, जो भी सीमित वैकेंसी आ रही है इतना मेहनत करिए कि उसमें आप अपनी सीट सिक्योर कर पाएँ। अदरवाइज़ आप इग्नोर कर सकते हैं तो करिए। अगर आप ब्रांच बढ़िया ले लेते हैं जैसे कि फीटर ले लेते हैं या फिर इलेक्ट्रीशियन ले लेते हैं तो इनकी वैकेंसी ज़्यादा आती हैं, हर वैकेंसी में इनकी डिमांड होती है। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से जो रिलेटेड जो सच्चाई थी, इसकी जो हकीकत थी, बिल्कुल मैंने वही बताया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं
कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना कर दूँ। फिलहाल मिलते हैं कैसे और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।